उसके अलग अलग ब्रह्मांड के अलग अलग जो समझो कि अलग 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 ब्रह्मांड है, कहते हैं ना अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, ऐसा बोलते हैं संत लोग, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक को मेरा प्रणाम है, ऐसा बोलते हैं। तो अनंत लगाया और कोटि लगाया, यदि आप कोटि भी लगा लो तो भी बहुत संख्या हो गई, अनंत भी लगा दिया तो ब्रह्मांड एक नहीं है, ब्रह्मांड एक नहीं है ना, ब्रह्मकांड ब्रह्मांड एक नहीं है, ब्रह्मांड अनेक है। मतलब सृष्टियां जो हैं, जहां हम जी रहे हैं, ये आप ऐसा मत समझो कि ये यही एक है, ऐसी जाने कितनी है, कोटि है, अनंत है, जाने कितनी है। अच्छा, इसका कुछ वर्णन जो है, बहुत कुछ वर्णन इसका श्री योग वासिष्ठ महारामायण में मिलता है। एक तो काकभुसंडी जी जो उपदेश कर रहे हैं, वो काकभुसंडी जी बोलते हैं कि मैंने ऐसी ऐसी सृष्टियां देखी जहां पेड़ ही पेड़ थे, मैंने ऐसी भी सृष्टियां देखी, ऐसा भी एक लोक देखा जहां मनुष्य ही मनुष्य थे, मतलब पशु पक्षी नहीं थे। मैंने ऐसी ऐसी भी सृष्टियां देखी जहां पर केवल पशु पक्षी ही थे, मनुष्य नहीं थे। मैंने ऐसी सृष्टियां भी देखी जिसमें मनुष्यों में केवल पुरुष पुरुष थे और वो भी सृष्टि चला रहे थे। मैंने ऐसी सृष्टियां भी देखी जहां पर स्त्री स्त्री थी। तो इस प्रकार का वर्णन अनेकों सृष्टियों को काकभुसंडी जी ने कहा। काकभुसंडी जी को एक ऐसा सिद्धि प्राप्त थी कि वो जब भी प्रलय आता था, जब भी सृष्टियों का विनाश होना शुरू होता था, जब भी पूरा महाप्रलय आता था, तब वो ऐसी अवस्था में आ जाते थे कि उसका प्रभाव जो है महाविनाश का, महाप्रलय का, उन पर नहीं पड़ता था। तो जैसी फिर से सृष्टि को कुछ होता था तो कारण तत्व में प्रवेश कर जाते होंगे। जब भी आप सोते हैं तो सोने के समय पर आप एकदम अपनी मूल सुसुप्त अवस्था में चले जाते हो, मतलब समझाने के लिए बता रहे हैं, समझो आपकी सुसुप्ति अवस्था एक कारण अवस्था है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति, तीन अवस्थाओं में सुसुप्ति आपकी माना एक कारण अवस्था है। वहां से उठ के फिर आप दोबारा लौटते हो ना, अपनी स्वप्न में भी लौटते हो, जागृत में भी लौटते हो। तो यदि हम प्रलय को कुछ इसी तरह समझना चाहें तो कुछ ऐसी चीजें होंगी, कुछ ऐसा होगा कि वो महाप्रलय के समय पर मूल में एक हो जाता होगा, मूल तत्व में एक तत्व मात्र है उसमें ऐसे, और फिर जो है सृष्टियों का वो जो पहले से जैसा जैसा था वैसे वैसे सृष्टि का। तो मंत्र आया है, एक वेद मंत्र आया है ना कि धाता यथा पूर्वम, कि बाद में कैसे सारी सृष्टि का संचालन होता है, तो जो स्वयंभू जो है वो फिर से सृष्टि का संचालन वैसा ही करते हैं जैसा पहले था, दाता यथा पूर्वम, जैसे पहले था वैसा ही, फिर ये अनेकों सृष्टियों का हो जाता। तो एक सृष्टि में जी रहे हैं तो उसके फिर यहां पर जो उत्पत्ति स्थिति विनाश तीन चीज है, उत्पत्ति स्थिति विनाश, तो यहाँ के जो उत्पत्ति के जो नियामक संचालक विष्णु जी हैं, फिर स्थिति नहीं उत्पत्ति के ब्रह्मा जी हैं और स्थिति के विष्णु जी हैं, और विनाश के नियामक संचालक जो हैं और सब कुछ करने के भगवान शिव हैं, तो ये हैं। लेकिन इससे भिन्न अन्य कई ऐसी सृष्टियां हैं जहां ब्रह्मा विष्णु महेश अलग हैं। आप ये मत समझना कि यहां जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं यही हैं, यहां से दूसरी किसी सृष्टि में होंगे तो वहां होंगे, और सृष्टियों से सृष्टियों में जन्म के आधार पर ट्रांसफर है, डिमोशन है, प्रमोशन है, आपकी कैसी स्थिति है, आप मनुष्य जन्म लिए, आपने कैसे कर्म करे, आप या तो मोक्ष की स्थिति में जाएंगे, ब्रह्मलोक इत्यादि आपको प्राप्त होगा। तो ब्रह्मलोक की तो बात यह है कि चलो वहां से तो पुनरावर्तन होने के कोई चांस ही नहीं है, लेकिन यदि आप किसी अन्य लोक में हो गए तो आप वहां से लौट जाएंगे। तीन गति बताई है ना, एक गति बताई है कि आप जो है लोक इत्यादि में जाते हो उसका सुख भोग, एक गति है मोक्ष, वो तो आप ब्रह्मलोक और उस ब्रह्मलोक से आगे मोक्ष वाले लोग हो गए,
एक है कि किसी ब्रह्मलोक से इतर लोक में प्रवेश करते हैं, तो उन लोक में से फिर कुछ दिन जो है अपने इष्ट के पास, फिर वो जो सायुज सालोक के इत्यादि जो है कि किसी आपके इष्ट का आपको सानिध्य प्राप्त हो, आप उनके लोक में चले जाएं, आप उनके स्वरूप ही हो जाएं सारूप पे, इस प्रकार की जो मुक्ति कही गई है ये मुक्ति परमानेंट मुक्ति नहीं है, कुछ समय की मुक्ति है उन लोकों में। ब्रह्मलोक में तो ब्रह्मा जी का उपदेश है और तत्व ज्ञान का उपदेश है तो उसके बाद मुक्ति है, लेकिन अन्य लोकों में आपके जैसे कर्म है उसके अनुसार सारूप्य सालोक्य सायुज ये जो मुक्तियां कही गई हैं, मुक्तियां का मतलब ये है कि ये इस प्रकार की जो मुक्तियां हैं ये मतलब कुछ समय के लिए आप अपने इष्ट के लोक में चले गए, उनके जैसा रूप भी बना सकते हो, उनके जैसे दिखने लोगो, उनके समीप आप रहने लोगो, सामीप्य मुक्ति सालोक्य मुक्ति ये मुक्तियां आपको मिलती है। तो दूसरी गति ये हो गई, एक गति बताई ब्रह्मलोक वाली, दूसरी बताई लोक वाली, ये भी अच्छी है। तीसरी वो है कि इसके पुण्य कुछ इस तरह के होते ही नहीं है कि पुण्य पाप का उसका कोई ऐसा बैलेंस ही नहीं है कि उसे कोई लोक प्राप्त हो, उसे तत्काल जन्म मिलता है। उस तत्काल जन्म में भी शास्त्र के आधार पर बोल रहे हैं, तत्काल जन्म में भी क्या है कि या तो उसे मनुष्य जन्म मिल सकता है या तो पशु पक्षी और वृक्ष कोई भी योनि उसको मिल सकती है तत्काल जन्म में। अब ये जो सृष्टियां हैं, इन सृष्टियों के इस सृष्टि के यहां से ऐसा भी हो सकता है आपके कर्म ऐसे हों कि आपको इससे और बेहतर सृष्टि में प्रवेश करा दिया जाए। अभी यहां विज्ञान जो है वो यहां तक पहुंचा हुआ है कि विज्ञान की जो खोज है उसको से यंत्र यहां इतने सारे हो गए हैं कि आज का मानव जो है यहां इन यंत्रों के जाल में ऐसा उलझा रहता है कि उसकी आयुष्य भी कम है, बीमारियां ज्यादा है। कुछ ऐसी सृष्टियां हैं जिन सृष्टियों में अभी भी जो है आपका जीवन बेहतर है, ऐसी सृष्टियां हैं जिसमें आपका जीवन जो है बेहतर है। उन सृष्टियों में जिन सृष्टियों में आपका जीवन बेहतर है, समझो यहां अभी मोबाइल की टावर आप अभी देखो, यहां मोबाइल की टावर चल रही है तो ज्यादा भी नहीं तो इतना तो हमें भी याद है कि ये मोबाइलों की टावर जो है, ये टावरों का जाल जो है 98 के बाद से कुछ ज्यादा आया। अब यहां इतना सारा ये यंत्र तंत्र इतने हो गए कि शरीर में हमारे जो है मोबाइल की टावरों का असर ये सब है, लेकिन मानो आपका शरीर छोटा और आपकी कुछ ऐसी कर्म है, ऐसा लेन देन है कि आप इस सृष्टि से आपका प्रमोशन होके किसी ऐसी सृष्टि में आपका जन्म हो जहां अभी विज्ञान जो है पुरातन है, ये नया विज्ञान नहीं है, ये नवीन विज्ञान जो उरा यंत्रों पे बेस्ड है, प्रकृति से जुड़कर जो विज्ञान चलता है वो विज्ञान अभी है। जैसे कई ऐसे आदिवासी क्षेत्र हैं, अभी भी बहुत कम, जिन आदिवासी क्षेत्रों में अभी आदिवासी तेल बिक रहा है, इसका प्रचार चलता है, ये भी क्यों चल रहा है? आदिवासी का मतलब क्या है? जो शुरुआत से वास करते हैं, मूल हो, जो अभी भी वो जंगल में रहते हैं, जंगल में यानी प्रकृति के साथ ज्यादा जुड़ते हैं, झरना का पानी ही पीते हैं, उनके पास कोई और अलग से मिनरल वाटर या अलग से आपके आरओ सिस्टम ये सब नहीं है, और वो ज्यादा स्वस्थ हैं, उनके सिर पे हमसे ज्यादा बाल हैं, स्वस्थ हैं, तभी तो आदिवासी तेल बिक रहा है, उनकी स्किन हमसे ज्यादा अच्छी रोग प्रतिकारक शक्ति वाली है। स्किन पर ग्लो करना इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्वस्थ हैं, स्किन आपकी कितनी ज्यादा बाहर की परिस्थितियों को झेल पाती है उससे पता चलेगा कि आपकी स्किन अच्छी है। तो ये सृष्टियों का बड़ा अद्भुत सा, आप यहीं से देखो, यहां से आप कुछ ऐसे भारत में ही अभी आप कुछ ऐसी जगहों पे चले जाओ जहां आपको कुछ जगह ऐसी है जहां मोबाइल टावर अभी भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहीं आपको दूसरी सृष्टि का अनुभव हो जाएगा। तो यदि आप और वास्तव में जो दूसरी सृष्टियां शास्त्र में वर्णित है उनमें आपका प्रवेश हो जाएगा तो आप देखोगे वो बिल्कुल बने। अच्छा, उनमें क्या भिन्नताएं हैं? टाइम एंड स्पेस की भिन्नता है, समय का देश काल की, भाई देश तो बदल ही गया, स्पेस तो बदल ही गया, इसी स्पेस से दूसरे स्पेस में चले गए, लेकिन उसके साथ साथ काल भी बदल गया। मान के चलो यहां आपको एक मिनट इतना बड़ा सा लगता है, इतने सेकंड का है, वहां का एक मिनट इससे बड़ा भी हो सकता है, इससे छोटा भी हो सकता है। आपको महाराज ये क्या गपोर बात, नहीं, इसको आप देखिए, गपोर बाजी नहीं है, आप इसको अपने वर्तमान जीवन से ही देखिए।
आपकी जागृत अवस्था का जो टाइमिंग है, स्वप्न अवस्था का टाइमिंग तो उससे बहुत कम है। आप एक मिनट में इतना बड़ा स्वप्न देख लेते हैं, सब कुछ आपके सामने, सारी घटनाएं घट जाती हैं, शादी हो जाती है, विवाह हो गए, बच्चे हो गए, बड़े बड़े आपने काम कर लिए स्वप्न में एक ही मिनट में। यहां आप जितना जीवन 50 साल में जियो, स्वप्न की अवस्था में आप एक मिनट में वो जीवन जी लेते हो। तो आपको ये जान लेना चाहिए कि अवस्थाओं के भेद से, देश के भेद से, काल के भेद से, देश के भेद से काल का भेद हो जाता है। आप जागृत अवस्था के देश में हो, यदि आप जागृत अवस्था को एक देश मान लो, यदि मान लो अवस्था है लेकिन यदि उसको देश मान लो, तो आप दूसरा देश आपका हो गया स्वप्न, क्योंकि आपको तो दूसरा ही देश प्रतीत होता है, वो दूसरा ही स्पेस प्रतीत होता है आपके हिसाब से, तो आपको थोड़ी लगता है आप जागृत से कनेक्टेड हो। यदि किसी को स्वप्न अवस्था में भी जागृत का भान हो तो उसका स्वप्न ही नहीं हो सकता। अच्छा, तीसरा सुसुप्ति अवस्था में आप कारण में चले जाते हो, तो ये आप जागृत स्वप्न सुसुप्ति से ही इन सृष्टियों का रहस्य समझ सकते हो कि जो शास्त्र में वर्णित है वो सृष्टियां अलग अलग होंगी ही। अभी जो आप जितने वर्तमान में जैसे आप जी रहे हो, इसके साथ इतना ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है, इतना जुड़ाव हो जाता है हम लोगों का कि हमें लगता है यही सारी चीजें हैं, लेकिन एक ही चीज जो है यहां चल रही होती है और दूसरी चीज उसी समय दूसरी जगह भी चल रही होती है। अभी तो लोग जो है हमारे शास्त्रों को पढ़कर मूवी बना रहे हैं और उन मूवीज में दिखा रहे हैं, टाइम एंड स्पेस का सारा खेल दिखा रहे हैं। अभी कोई एक वेब सीरीज भी आई, कोई उस वेब सीरीज में ये था कि कोई व्यक्ति जो है टाइम में पीछे जा सकता था। एक हाईजैक होने वाला था जहाज को, एक कोई आतंकवादी लोग जो थे वो अपहरण करने वाले थे, और उन्होंने टाइम में पीछे जाके उसमें ये दिखाया गया कि एक जहाज कोई अपहरण हुआ था जहाज का 36 साल पहले अपहरण हुआ था जहाज का, और उसके अवशेष अब मिले मतलब वो अपहरण अब दिखे, अवशेष एकदम ताजे जैसे अभी अपहरण हुआ हो, रिकॉर्ड में छाना तो अपहरण तो 36 साल पहले हुआ था। तो उसमें ये दर्शाया गया कि वो जहाज जो था उड़ते 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 एक ऐसे स्पेस में एंटर कर गया। उन्होंने तो भौतिक रूप से दिखाया लेकिन इसके सूक्ष्म रहस्य है कि वो जहाज एक ऐसी जगह एंटर कर गया कि उस जहाज एरोप्लेन ऐसी जगह चला गया वो कि वहां जो है उसका टाइम एकदम बदल गया, उसके 36 साल कैसे बीत गए ये पता ही नहीं चला। तो जिसने शास्त्र अध्ययन किया हुआ है वो कहेगा, महात्मा तुरंत समझ जाएगा कि ये पिक्चर की जो थ्योरी है ये कहां से उठाई इन्होंने। हमारे श्री योग वशिष्ठ महारामायण में ये बात बहुत अच्छे से समझाई गई है कि अनेकों सृष्टियां हैं। काक भुसंडे जी ने उसका वर्णन किया हुआ है कि मैंने ऐसी ऐसी सृष्टियां भी देखी जहां पेड़ ही पेड़ थे, ऐसी ऐसी सृष्टियां भी देखी जहां पर केवल जो है मनुष्य ही मनुष्य थे, पेड़ पौधे पशु पक्षी नहीं थे। ऐसी सृष्टियां भी मैंने देखी जहां पर केवल पुरुष ही पुरुष थे। जिस समय हमने अब से ज्यादा भी नहीं तो 17 साल पहले हमने श्री योग वशिष्ठ महारामायण को ठीक से पढ़ा था, अभी पढ़ लेते हैं लेकिन 17 वर्ष पहले हमने इसको ठीक से पढ़ा था, मतलब पूरे शास्त्र को। तो उस समय जब हमने पहली बार पढ़ा 17 वर्ष पहले, मतलब 17 ही वर्ष हो गए होंगे या ज्यादा हो गए, 2006-07 में पढ़ा था, पांच से लेकर 2007 के बीच में। तो जब हमने ये शास्त्र पढ़ा श्री योग वशिष्ठ महारामायण उस समय 2006-07 में, तब हमने पहली बार जब पढ़ा तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि काक भुसंडी जी इसमें क्या वर्णन कर रहे हैं। ऐसी भी सृष्टियां हैं जिन सृष्टियों में केवल पुरुष ही पुरुष रहे होंगे, तो कैसे पुरुष हुए होंगे, वो पुरुषों से और पुरुष कैसे हुए होंगे, क्योंकि हमने तो अभी वही सृष्टियां देखी हैं, हम तो वही देख रहे हैं कि पुरुष है स्त्री। ऐसी भी सृष्टियां हुई कि जहां पे केवल पेड़ ही पेड़ हो, वहां कोई पूरी सृष्टि में कोई पुरुष नहीं कोई स्त्री नहीं। ऐसी भी कि वहां पशु ही पशु हो, और काक भुसंडे जी ने इसके बारे में बताया क्योंकि उनको एक ऐसी सिद्धि प्राप्त थी कि जब भी महाप्रलय होने को होता था सृष्टियां विनाश की तरफ जाती थी, वो फिर अपने मूल रूप में आ जाते थे और बाद में फिर प्रकट हो जाते थे। तो जीवन को हम जहां जी रहे हैं यदि उसको विज्ञान की दृष्टि से भी देखें तो पृथ्वी एक इतनी सी चीज और ऐसी और कितनी पृथ्वियां, और उसमें से हम इतने से एक स्थान में, एक इतने से उत्तर भारत दक्षिण भारत ऐसे एक भारत में, उस भारत में से भी उस दक्षिण भारत उत्तर भारत के किसी एक जिले में,
उस जिले की भी किसी एक तहसील में, उस तहसील की भी किसी एक ब्लॉक में या नगर पालिका में रहते हैं। कितना सा आपका हमारा कितना अस्तित्व है मानुषी स्तर पर, बहुत बड़ा थोड़ी है, इससे तो बहुत बड़ा है सब कुछ। आप यदि अपने को एक विश्व स्तर पर ही या आप गैलेक्सी के लेवल पर ही अपने आप को कहीं बैठाना चाहो गैलेक्सी के लेवल पर, तो आप एक बिंदु जितने भी नहीं है। और अहंकार, अहंकार तो पहाड़ से भी बड़ा है। कौन व्यक्ति ऐसा है जो इस अहंकार से बचा हुआ है? किसी को छोटा अहंकार, किसी को बड़ा अहंकार। तो ईश्वर से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु इससे बचा ले, कोई अर्थ अनर्थ जीवन हमारा जो है वो सार्थक रहे, अर्थ अनर्थ अर्थ ही रहे, अनर्थ ना हो। यहां जो हम ये समझ रहे हैं कि ये एक ही ब्रह्मा जी हैं, एक ही विष्णु जी हैं, एक ही महेश हैं, ये भी अनंत हैं, तो सोचो हमारी बुद्धि वहां, बहुत लोगों ने ये बात सुनी भी नहीं होगी कि अनंत ब्रह्मा, कि ब्रह्मा जी भी अनंत हैं, विष्णु जी भी अनंत हैं, महेश जी भी अनंत हैं। जब सृष्टियां ही अनंत हैं, आप यहां पैदा हुए हो, कल को क्या पता आपके क्या कर्म है, आप इससे बेहतर सृष्टि में चले जाओ या आप जो है इससे बेकार सृष्टि में चले जाओ। बेहतर में चले जाओ आप मनुष्य जन्म के साथ ही चले जाओ या देवता होके चले जाओ, बेहतर में चले जाओ आप मनुष्य जन्म में ना जाके आप किसी और जन्म में चले जाओ, पेड़ पौधे बन जाओ आप, जीव जंतु बन जाओ, और आप इससे निकृष्ट में चले जाओ वहां मनुष्य बन जाओ, आप इससे निकृष्ट में जाके वहां पे पशु पक्षी बन जाओ, क्या गारंटी है इसकी? कर्मों की लीला बड़ी है निराली, हरिश्चंद्र मरघट में करे रखवाली। कर्मों की लीला बड़ी है निराली, हरिश्चंद्र मरघट में करे रखवाली। जाना है मैंने सब कुछ लुटा के, आया शरण ठोकरे जग की खाके। जाना ये मैंने सब कुछ लुटा के, आया शरण प्रभु ठोकर में खाके, आया शरण प्रभु ठोकर में खाके।